दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बारे में, जिनका मैं तो क्या पूरी देश उनकी बल्लेबाजी का फैन है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य। अपनी तेज तरार बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले वीरेंद्र सहवाग का जन्म 20 अक्टूबर 1978 को हरियाणा के एक जाट परिवार में हुआ था। टेस्ट क्रिकेट में 2 तिहरे शतक बनाने वाले सहवाग ने हमेशा से ही क्रिकेट को भगवान माना है। सहवाग को प्यार से सभी वीरू कहते हैं। वैसे उन्हें नजफगढ़ के नवाब बा, आधुनिक क्रिकेट के जैन मास्टर के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए आज आपको वीरेंद्र सहवाग के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। फैक्ट नंबर 1, सहवाग बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट खेलने के दौरान अपना दांत तोड़वा लिया था। तब उनके पापा ने उन्हें क्रिकेट खेलने से बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन माँ के समझाने पर उन्हें दोबारा क्रिकेट खेलने दिया गया था। फैक्ट नंबर 2, सहवाग भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को अपना आइडल मानते हैं। फैक्ट नंबर 3, पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच में सहवाग ज्यादा दम नहीं दिखा पाए और 1 रन बनाकर चलते बने थे। गेंदबाजी के दौरान 3 ओवरों में 35 रन भी दिए थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सहवाग को ज्यादा अपील करने के चलते पहले ही मैच में बैन कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 4, सहवाग अपना शतक छक्का मारकर पूरा करने की कोशिश करते थे और ज्यादातर मैचों में उन्होंने ऐसा भी किया। ये अपनी ज्यादातर पारियां चौका मारकर शुरू करते थे। क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड कायम करने के साथ साथ क्रिकेट प्रतिभाओं को निहारने के लिए साल 2011 में सहवाग इंटरनेशनल स्कूल झज्जर हरियाणा की शुरुआत की, जो दिल्ली से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। स्कूल का उद्घाटन उनकी मां ने किया। यह उनके पिता का सपना था कि एक ऐसी संस्था बने जहां छात्र पढ़ाई कर सकें, रह सकें, खेल सकें। सहवाग ने जब 3रा शतक जड़ा था, तब हरियाणा सरकार ने सहवाग को 23 एकड़ भूमि पर एक एकेडमी बनाने के लिए दी थी। ये भारत के ऐसे बल्लेबाज हैं जिससे दुनिया का हर गेंदबाज खौफ खाता है। सहवाग ने भारत की ओर से पहला एक दिवसीय 1999 में व पहला टेस्ट मैच 2001 में खेला। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर रोचक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो कल फिर मिलते हैं एक रोचक वीडियो के साथ।